हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। तो हमने पिछले वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने डिफाइन किया था व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, राइट। और वहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस रिलेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वेयर। ये कंसेप्ट वहाँ पर हमने पढ़ा था। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर भी हम क्या बात करेंगे, इस बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पे। तो व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन, देन वी कैन से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है, वहाँ पर हम क्या मान के चल लेते हैं कि वहाँ पर कोई यूनिट नॉर्थ पोल प्रजेंट है। हालांकि हम जानते हैं कि पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम माइंड में क्या रखेंगे कि यहाँ पर कोई यूनिट नॉर्थ पोल प्रजेंट है और इस यूनिट नॉर्थ पोल पे क्या करेंगे, इस नॉर्थ पोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इन दोनों का, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट विल बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट पी। सो लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन। वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। ये तो हो गया हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो मान लेते हैं लेट बी वन इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के कारण से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, बी वन। सो वी कैन राइट बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू एम। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पोल। इसकी पोल स्ट्रेंथ हमने एम ले रखी है, देन एम इंटू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस डिस्टेंस का स्क्वेयर करना है। सो यदि हम पी को एन से ज्वाइन कर देते हैं, देन द डिस्टेंस विल बी दिस डिस्टेंस एन पी। वी कैन से दैट स्क्वेयर ऑफ एन पी। अब इफ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी वन, तो बी वन की डायरेक्शन किधर आएगी, देखो ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर क्या प्रजेंट है, यूनिट नॉर्थ पोल, देन दिस नॉर्थ पोल विल रिपेल इट इन दिस डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ बी वन इज अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ये आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड। यदि हम एन पी को आगे प्रोड्यूस कर दें तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, बी वन। सिमिलरली हम क्या मान लेते हैं, सिमिलरली लेट बी टू इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल। इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है, साउथ पोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान लिया, बी टू। साउथ पोल ये है, देखो भी इस पोल का, या यूँ कहते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज एस पी। सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4πm। पोल स्ट्रेंथ ऑफ इस पोल इज सेम अपॉन स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एस पी स्क्वेयर अलोंग। यदि हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, देखो दिस इज साउथ पोल, हेयर इज यूनिट नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल विल अट्रैक्ट दिस यूनिट नॉर्थ पोल, देन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा बी टू, दैट इज अलोंग पी एस। ये आ गया हमारे पास में बी वन एंड बी टू। नाउ इट इज क्लियर दैट NP is this side and PS is this side.
देखो ये जो लाइन है दिस इज इक्विटोरियल लाइन, तो इस पॉइंट पे हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, हर पॉइंट क्या होगा इन दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, राइट। सो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल एन पी एस इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, वी कैन से दैट ट्राइंगल एन पी एस इज आइसोस्केल ट्राइंगल। और आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होगा, जो दो साइड इक्वल हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके कोरस्पोंडिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। सो इफ यू से दैट दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। नाउ देखो अब हम लेट अस कंसिडर एनी अनदर लाइन पासिंग थ्रू पी, ये हमने और कोई लाइन कंसिडर कर ली जो पी में से पास होती है। लेट अस कंसिडर एनी लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एक्सियल लाइन, इस एक्सियल लाइन के पैरेलल ये कोई लाइन अपन ने कंसिडर कर ली एक्स वाई, देन वी कैन से दैट इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, अल्टरनेटिव एंगल, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, ये कौन से हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यदि हम B1 और B2 को कंपोनेंट में रियोल कर देते हैं देन इट इज क्लियर दैट वेक्टर B1 मेक्स एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन, सो कंपोनेंट ऑफ B1 अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी, देखो B1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा B1 cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर एंड दैट विल बी 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 वन साइन थीटा। देखो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा बी वन का उसको हम क्या नाम देंगे बी वन साइन थीटा। इसी प्रकार सेम वे में हम यदि बी टू को कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो बी टू का देखो बी टू इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन देन कंपोनेंट ऑफ बी टू इन दिस डायरेक्शन इज बी टू कोस थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू b2 टू साइन थीटा। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं b1 वन साइन थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड एंड b2 टू साइन थीटा इज वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो दोनों एक ही पॉइंट पे एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, रिजल्ट क्या होगा एक ऊपर की तरफ लगेगा एक नीचे की तरफ बट बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो b1 वन साइन थीटा एंड b2 टू साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, सो वी कैन से दैट एट दिस पॉइंट p नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा b1 वन cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, सो वी कैन राइट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, दोनों के कारण से b1 और b2 के कारण से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया उसको हमने नाम दे दिया b एंड दैट इज इक्वल टू b1 वन cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। बट हम b1 को देखें और b2 को देखें बोथ आर इक्वल, अब यदि हम np और sp इनमें से किसी एक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो देखो भी इन ट्राइंगल NPS यदि हम इस ट्राइंगल NPS में np इज इक्वल टू ns, अब यदि हम यहाँ आ जाते हैं ट्राइंगल लेट अस टेक ट्राइंगल NPC हम ये लेते हैं ट्राइंगल NPC दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन से दैट NP स्क्वेयर इज इक्वल टू PC स्क्वेयर प्लस CN स्क्वेयर, NP स्क्वेयर इज इक्वल टू PC स्क्वेयर NP स्क्वेयर इज इक्वल टू PC स्क्वेयर प्लस CN स्क्वेयर, सो वी नो दैट C इज सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, सो ये लेंथ कितनी बचेगी L एंड इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हम क्या मानते आए D कि D इज सेंटर ऑफ पॉइंट P, D इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, सो वी कैन राइट NP स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर क्या आएगा D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, ये आएगा हमारे पास में कंसेप्ट NP स्क्वेयर इज इक्वल टू D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। इसी प्रकार से SP स्क्वेयर निकाल लेंगे तो भी क्या आएगा
डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी वन और बी टू बोथ आर इक्वल, देन दिस रिजल्ट विल बी बी इज इक्वल टू बी वन कोस थीटा प्लस बी टू कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी वन कोस थीटा। अब इस रिजल्ट में हम क्या करते हैं, बी वन की वैल्यू पुट कर देंगे, देन हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी वन, बी वन या बी टू दोनों बराबर है, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई एम अपॉन स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, एस पी स्क्वेयर या एन पी स्क्वेयर बोथ आर सेम एंड दैट इज इक्वल टू डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। और इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं हम, बी इक्वल टू टू म्यू नोट अपॉन में फोर पाई एम अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हम आइदर ट्राइंगल एन पी सी और ट्राइंगल एस सी पी किसी भी एक ट्राइंगल को यूज करके कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी नो दैट कोस इज बेस अपॉन हाइपरन्यूज, सो इन ट्राइंगल एन पी सी दिस इज थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, देन एल इज बेस और ये क्या होगा हाइपरन्यूज, सो कोस की जगह हम क्या लिख देते हैं बेस दैट इज इक्वल टू एल अपॉन हाइपरन्यूज इज एन पी एंड वी हैव फाइंड एन पी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, तो एन पी निकालेंगे तो क्या होगा इस सारे का स्क्वेयर रूट, सो वी कैन राइट इट एज डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर हाफ और बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई, इस टू को यदि हम यहाँ लगा देते हैं एल के साथ में तो ये एम इन टू टू एल, यदि टू को मैं यहाँ लगाता हूँ देन दिस विल बी एम इन टू टू एल एंड दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टू डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। देखो भाई डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की एक पावर यहाँ से है आधी पावर यहाँ से, क्या आ जाएगी टोटल पावर 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। नाउ इफ वी टेक इट्स स्पेशल केस देन इफ यू अज्यूम दैट दिस डाइपोल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, या यू मान लें कि एल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू डी, तो यहाँ से यदि हम एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं देन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी स्क्वेयर की पावर 3/2, स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम अपॉन डी क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। नाउ इफ यू फाइंड डायरेक्शन, यहाँ से यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेके आना चाहें कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इस पॉइंट पी पे देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अलोंग पी एक्स, इस डायरेक्शन में आ रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से दैट इट इज अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम यदि वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें देन वी कैन राइट इट एज वैक्टर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट अपॉन फोर पाई वैक्टर एम अपॉन डी क्यूब। यहाँ पर दिस नेगेटिव साइन शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो हमारे पास में लास्ट वीडियो में हमने एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन वाला जो रिजल्ट है वो हमारे पास में क्या आता है, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यूब, ये आता है एक्सियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे ये आया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें देन वी सी दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये था हमारे पास में कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।